टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खाद्य तेलों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और पहल की है। इसके तहत अब तिलहन और पाम ऑयल की तरह ही सूरजमुखी उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकारों तथा संबंधी विशेषज्ञों के साथ एक बैठक में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बैठक में तोमर ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में दलहन तिलहन और राष्ट्रीय ऑयल पाम मिशन प्रारंभ किया गया है, उसी तरह सूरजमुखी को भी योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों व विशेषज्ञों के सुझावों का अध्ययन करके इस संबंध में विस्तृत प्लान बनाया जाएगा। साथ ही कृषि मंत्री ने घोषणा की कि सभी प्रमुख राज्य सरकारों और उद्योग बीज संघन और आदि जैसे हितधारकों तथा कृषि आयुक्त व अन्य संबंधित अधिकारियों की एक उप समिति आगे की रूपरेखा बनाएगी। उन्होंने राज्यों से सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ाने का आग्रह करते हुए राज्य सरकारों को बीज एवं माइक्रो इरिग्रेशन सहायता आदि के सहयोग का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि भारत सरकार हर साल करीब 70,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात करती है। तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं तिलहन क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण हितधारकों जैसे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल सीड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सहित निजी क्षेत्र के उद्यमियों आदि के साथ भी केंद्रीय मंत्री तोमर ने बातचीत की। वहीं बता दें, बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, शोभा करदलांजे तथा कृषि सचिव साथ ही वो भी उपस्थित थे। संयुक्त सचिव शुभा ठाकुर ने बैठक का संचालन करते हुए सूरजमुखी के क्षेत्र और उत्पादन पर प्रकाश डाला। सूरजमुखी महत्वपूर्ण तिलहन फसलों में से एक है, जिसे प्रमुख रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में उगाया जाता है। सूरजमुखी के क्षेत्र की गुंजाइश बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि में भी है। वहीं बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूर्य सिंचाई के समर्थन में सूरजमुखी क्षेत्र विस्तार में रुचि दिखाते हुए कहा कि सरसों की सफलता के मॉडल को सूरजमुखी के लिए दोहराने की जरूरत है। उधर कर्नाटक सरकार किसान की आय बढ़ाने के लिए सुनिश्चित सिंचाई सुविधा के साथ विशेषकर रबी मौसम में क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम जारी रखने के लिए तैयार है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र में प्रमुख फसलों जैसे अरहर और सोयाबीन, मक्के की इंटरक्रॉपिंग के साथ सोयाबीन की खेती की भी वकालत की। वहीं बाजरा कार्यक्रम के पैटर्न पर सूरजमुखी क्षेत्र के विस्तार में रुचि भी दिखाई। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने धान क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती में रुचि दिखाई, विशेष रूप से जहां बोरवेल स्थापित है। वहीं पंजाब धान के रकबे को डायवर्जन कर क्षेत्र विस्तार के लिए तैयार है। हरियाणा ने लगभग 30,000 एकड़ के आलू प्रति क्षेत्र में क्षेत्र विस्तार की योजना बनाई है। तिलहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण हितधारकों ने सूरजमुखी के लिए अलग मिनी मिशन बीज उपलब्धता, रोग कीट नियंत्रण, बाजार समर्थन एवं बीमा सहायता के लिए अनुरोध भी किया है। तो ये थी बात कि सरकार ने सूरजमुखी की खेती को प्रमोट किया है और वो आगे भी करेगी। तो अभी बड़ी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। के हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।